फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मल्टीग्रेन डोसा। इसके लिए मैंने दो तरह के राइस लिए हैं, इडली राइस और नॉर्मल राइस। इनको रागी के साथ मिला के मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लिया है। दो तरह की दाल ली है, मूंग दाल और उड़द दाल। आप चाहे तो कोई और दाल भी ले सकते हैं। इसको भी 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लिया है और अभी हम इसको चावल और रागी के जो को हमने भिगोया था उसको हम अलग से पीसेंगे और थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे हम पेस्ट को, जिससे कि डोसा थोड़ा क्रिस्पी बनेगा। और दाल को हम अलग से पीस लेंगे और पीसने के बाद दोनों को हम एक जगह अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए हम रख देंगे। ये देखिए, ये पीसने के बाद थोड़ा ऐसा दिखेगा और ये हमारा जो बैटर है अच्छे से फर्मेंट हो गया है। पूरी रात हमने इसको फर्मेंट होने के लिए रखा था और अभी हम मल्टीग्रेन हेल्दी डोसा बनाकर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डोसा बनाकर ज़रूर खाएं, सबको खिलाएं भी। थैंक यू, बाय।